हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। दोस्तों, आज हम इसी स्कूल बस का रिव्यू करने वाले हैं और सबसे पहले इसके हम की तरफ नज़र मारते हैं। तो देखिए, ये आइसर कंपनी की स्कूल बस है और ये की पे देखिए, एक तरफ आइसर लिखा हुआ है, एक तरफ इसका लोगो बना हुआ है। काफ़ी छोटा सा की है, एकदम स्कूटी का जो की होता है उसी तरीके से देखने में लगता है। और बस की तरफ अगर हम नज़र मारें तो देख सकते हैं एक जो ट्रेडिशनल बस की डिज़ाइन होती है बाहर से, सामने से वैसा ही कुछ इसका डिज़ाइन है। बीच में आइसर का लोगो है। जो वेंट्स वगैरह हैं वो हनीकॉम डिज़ाइन में दिए हुए हैं। जो ग्रिल वगैरह का विंड है जिससे एयर आपका पास होगा इसके थ्रू, और जो फ्रंट का विंडशील्ड है काफ़ी बड़े साइज़ का है जिसपे दो बड़े वाइपर मिल जाते हैं, जिससे रोड पे जो विजिबिलिटी होगी, जो प्रेजेंस होगा काफ़ी अच्छा होगा। हेडलैम्प की बात करें तो राउंड शेप में आपको हेलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। स्कूल बस का स्टिकर मिलता है जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए गाड़ी बनाई गई है, बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है, तो सेफ्टी का पूरा पूरा ध्यान कंपनी ने रखा है। आप देख सकते हैं जो इसका डोर है, डोर के जस्ट ऊपर भी स्टॉप का साइनेज देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिससे पता चलता है कि विद्यालय की गाड़ी है, विद्यालय के लिए डिज़ाइन की गई है। साइड से भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। जो बस की डिज़ाइन है, एक कंप्लीट बस का लुक साइड से भी देने की कोशिश कंपनी ने की है। तो वन बाय वन हम इस गाड़ी को पूरा पहले वॉक अराउंड करेंगे, फिर अंदर लेकर के आपको चलेंगे और गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाएंगे। अगर व्हील साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 16 इंच के स्टील व्हील देखने को मिलते हैं और बस है तो काफ़ी बड़े बड़े टायर इसमें देखने को मिलेंगे। बस डिज़ाइन में है। डोर आप इसका देख सकते हैं, जैक नाइफ डोर है और को ड्राइवर के जस्ट पीछे डोर दिया हुआ, मतलब सेंटर में आपको डोर देखने को मिल जाएगा। साइड में भी आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। ये इसका साइड प्रोफाइल, गाड़ी साइड से देखने में किस तरह लगती है यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आपको पता है कि BS6 जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें फ्यूल टैंक के साथ साथ यूरिया टैंक भी होता है। अब इसमें आपको यूरिया टैंक नहीं दिख रहा है, तो अभी वीडियो कंप्लीट देखिए, यूरिया टैंक आपको दूसरे साइड देखने को मिलेगा। ये इसका पीछे का व्हील है और मैं व्हील तो मैंने बता दिया कि 16 इंच के, इसमें आपको स्टील व्हील देखने को मिलेंगे। ये इसका देखिए नीचे का व्यू मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, प्रोपेलर शाफ्ट वगैरह कैसा देखने में लगता है। यहाँ पर इसके कमानी वगैरह हैं और इसका रियर व्यू अगर हम देखें, अब विंडो अगर आप देखते हैं, सबसे पहले विंडो देखें, विंडो में आपको पूरी तरीके से बार्स मिल जाते हैं जो बच्चों की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं स्कूल बसों में। और अगर पीछे से देखें तो पीछे आपको बड़े फॉन्ट लेटर में आपको आइसर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मतलब पीछे से भी आप देख के ये बता सकते हैं कि ये किस कंपनी की गाड़ी है। और टेल लैंप की बात करें तो काफ़ी नॉर्मल टाइप के देखने को मिलते हैं और टेल लैंप के जस्ट नीचे आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाता है। स्कूल बस का साइनेज यहाँ भी देखने को मिलता है, ऊपर भी दो लैंप दिए हुए हैं। और राइट साइड की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था, विद्यालय की गाड़ी है तो इमरजेंसी एग्जिट का जो प्रोविज़न है वो भी राइट साइड में बस के दिया हुआ है, जो कि मैंडेटरी है सेफ्टी के लिए। अब मैंने जैसे पहले ही बताया था कि इस साइड आपको एडब्लू का टैंक मिल जाएगा, यानी कि यूरिया का टैंक मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं पीछे वाले व्हील्स के जस्ट पहले जो आपको टैंक दिख रहा है वो यूरिया का टैंक है। यहाँ पर ये इमरजेंसी एग्जिट है और ये देखिए, यहाँ पर आप ग्लास को तोड़ करके इमरजेंसी कंडीशन में बाहर निकल सकते हैं, बच्चों को निकाल सकते हैं बाहर। तो इसके लिए यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें जिस साइड आपको लेफ्ट साइड में आपको फ्यूल टैंक था, वहाँ पे इस सेम उसी जगह पे राइट साइड में यूरिया टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका बैटरी बॉक्स वगैरह देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी बस है विद्यालय के लिए। अगर आप कोई बस लेना चाहते हैं, बस डिज़ाइन में कोई गाड़ी आपको पसंद है, तो आइसर कंपनी की ये गाड़ी है, इसको आप देख सकते हैं। ड्राइवर साइड की बात करें तो सबसे पहले मैं ड्राइवर साइड आपको यहीं से दिखा देता हूँ, इसके बाद हम अंदर चलेंगे और बस में बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो ड्राइवर साइड में आप देखें डोर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, सिंपल सा डोर है और ड्राइवर के लिए एक छोटा सा फ़ैन यहाँ पे लगाया हुआ है जिससे गर्मी के समय में उसको हवा वगैरह यहाँ से मिल सके। और यहाँ पे कुछ स्विचेस दिए हुए हैं जहाँ, जैसे कि ABS का स्विच है, लाइट का स्विच है, बैटरी कटआउट का स्विच है और कैसे ऑपरेट करना है उसका एक छोटा सा यहाँ पर मैनुअल दे रखा है। नीचे आपको पैडल्स देखने को मिलते हैं और ये ड्राइवर साइड से मैंने आपको गाड़ी दिखाई। ये मीटर का देखें तो मीटर भी छोटा सा एक मीटर है, जो कि डिजिटल मीटर तो नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि बस है तो बस में इसी टाइप की मीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बाहर से मैंने आपको गाड़ी दिखाया, बाहर से इसका ओवरव्यू मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बच्चों की जो सीटिंग लेआउट है वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो बच्चे आराम से इसमें चढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी लो फ्लोर इसका है, यहाँ पर लाइट भी दिया हुआ है। अगर रात की कंडीशन में आपको जो बस के अंदर चढ़ना है तो इस लाइट की सहायता से आप अंदर गाड़ी के चढ़ के बैठ सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको अंदर। सबसे पहले हम ड्राइवर के डैशबोर्ड की तरफ का ध्यान खींचेंगे और देखेंगे कि गाड़ी कैसी है। तो ये ऊपर का व्यू है, यहाँ पे आपको लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, कैमरा लगा हुआ है जो कि मैंडेटरी है आज के लिए सेफ्टी के लिहाज से। ये है इसका डैशबोर्ड, ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। और ड्राइवर साइड से अगर हम बात करें तो ढेर सारे बटन्स हैं और ये इसका मीटर कंसोल,
ठीक ठाक है, बस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये। इसका स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे आपको वाइपर और लाइट से कंट्रोल्स मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे ही। यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने पहले बताया फ़ैन दिया हुआ है। और गियर लीवर की बात करें तो ये इसका स्मार्ट सा गियर लीवर, छोटा सा गियर लीवर है, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। और इंजन का प्लेसमेंट काफ़ी सही जगह पे है। हालांकि इंजन यहाँ पे रहने से होता क्या है कि उसकी थोड़ी साउंड आती है बस के अंदर। फर्स्ट एड किट भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। और सीट के जस्ट पीछे आपको फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिलता है, जो कि सेफ्टी के लिहाज से प्लेस किया हुआ है। ये इंजन का इसका हुड है। यहाँ से आप अगर कोई रिपेयर करना चाहते हैं या कुछ चीज़ें हैं तो इस पर देखिए लिखा हुआ कि इस पर पैर ना रखें, और इंजन को आप यहाँ से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बच्चों को बैग रखने के लिए ऊपर हेड रैक मिल जाता है। और ये इसकी सीटिंग लेआउट है, आप देख लीजिए। 3x2 में ये बस है, मतलब एक तरफ 3 बच्चे बैठेंगे, एक तरफ 2 बच्चे बैठेंगे, और बच्चे अपना बैग ऊपर रख सकते हैं। सीट के नीचे भी बैग रखने की जगह है, हालांकि ऊपर अगर रखें आप तो ज़्यादा बेटर है, तो ऊपर भी दिया हुआ है स्पेस। अब हम बात करेंगे कितने सीट की गाड़ी है, तो आप रो गिन लीजिए। 7 रो आपको, 7 रो आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 7 रो हैं टोटल, और 3 3 बच्चे एक बैठेंगे, यानी कि 21 बच्चे इधर आप बैठा सकते हैं लेफ्ट राइट साइड में। और हर सीट पे आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाता है। अगर इधर की बात करें तो 5 रो जो है वो 2 सीट की है, लास्ट वाली जो रो है उस पर 3 बच्चे बैठेंगे, तो 13 बच्चे इधर बैठ सकते हैं और 21 बच्चे इधर बैठ सकते हैं, तो 34 बच्चे यहाँ पे आपको बैठा सकते हो। मतलब जो नॉर्म्स है, जो पासिंग है इसकी, वो 3x2 में पासिंग है। तो लेफ्ट साइड में 21 बच्चे, राइट साइड में आपके 13 बच्चे, 34 बच्चे बैठ जाएंगे इस बस में। कैसे बैठेंगे मैं इसको भी ये भी दिखाऊंगा आपको, लाइव दिखाऊंगा पीछे से। यहाँ पे देखिए इमरजेंसी एग्जिट के लिए हैमर दिया हुआ है, और लिखा भी है कि इमरजेंसी एग्जिट यहाँ से आप कर सकते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति में। अब चलिए हम सीट की बात कर रहे थे, तो सीट को दिखाते हैं कि सीट कैसी है, कितना स्पेस है पीछे। आराम से आप बैठ सकते हैं, बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, हालांकि बड़े बच्चे बैठ सकते हैं। यहाँ विंडो, स्लाइडिंग विंडो है, आराम से यहाँ पे विंडो को अनलॉक कर सकते हैं कभी आपको अगर हवा लेना हो। तो जब ग्रैब हैंडल आप देखेंगे सीट के पीछे, तो 3 3 ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं एक साइड में, और एक साइड में दिए हुए हैं 2 2 ग्रैब हैंडल। और यहाँ पे देखिए ये चिन गार्ड लगा हुआ है, ये ग्रैब हैंडल है, और नीचे बैग रखने की जो मैं जगह बता रहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3x2 लेआउट है, काफ़ी स्पेसियस बस है। बीच में जो गैलरी है, गैंगवे, वो भी काफ़ी अच्छा, आराम से बच्चा मूव कर सकता है। और विंडो वगैरह भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। विंडो पे आपको साइड रेल बार्स मिल जाते हैं, जो कि बच्चे हाथ वगैरह, सर वगैरह बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ऊपर की बात करें तो आपको लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, स्पीकर के प्रोविज़न दिए हुए हैं। अगर आप म्यूज़िक वगैरह फिट कराना चाहते हो तो वहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है, आप लगा सकते हैं उसको। और हर सीट पे आपको सीट बेल्ट देखने को मिलता है, चिन गार्ड मिल जाता है, ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, तो बच्चा आराम से बैठ करके सफ़र कर सकता है। तो इस ये गाड़ी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके आप बताइएगा। हालांकि ये गाड़ी बच्चों के लिए डिज़ाइन की गई है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है और स्पेसियस गाड़ी है। तो अगर आप स्कूल बस लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, इस गाड़ी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये गाड़ी आपको पसंद आ रही है, इस गाड़ी को आप परचेस करना चाहते हैं, तो आप नज़दीकी आइसर मोटर्स के शोरूम पर जाकर के इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। हालांकि स्कूल बस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मुझे एक गाड़ी दिखानी थी आप लोगों को तो मैंने दिखा दी। मीटर देखिए, मीटर भी ऑन है, तो उसमें बीच में एक डिजिटल मीटर है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड में आपको एनालॉग मीटर देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी का साउंड आप सुन सकते हैं, साउंड कैसा है। हालांकि मैंने आवाज़ थोड़ा सा डाउन कर रखा है क्योंकि बाहर काफ़ी शोर है, तो मेरी वॉइस आपको क्लियर ना आए इसलिए मैंने गाड़ी का जो साउंड है उसको कम कर रखा है। एक बार फिर से नज़र मार लीजिए किस तरीके का लेआउट है, चलते हैं गाड़ी के बाहर। तो आई होप आपको ये गाड़ी पसंद आई होगी, काफ़ी अच्छी गाड़ी है और बच्चों के लिहाज से बनाई हुई गाड़ी है, आपको प्रॉपर तरीके से जो सेफ्टी के नॉर्म्स है उसको फॉलो करती है। तो ये गाड़ी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको गाड़ी पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे ना जाएँ, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।